बिन या कतार था नहीं पाए। साहब की वाणी, लोग कहते हैं घाघर में सागर समा दिया, हम कहते हैं साहब ने तो बिंद में सागर समाया है। घाघर तो बड़ी होती है, बिंद समाना सिंध में यह जाने सब कोई, सिंध समाना बिंद में यह बूझे बढ़ रहा हुआ। बिन यक्तार भक्ति क्या कीजिए, यक्तार का मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और जाए नहीं। गुरु प्रताप अमीरस पीजिए, इंगला पिंगला सुखमन साधे ले उदान पौन तह बांधे, अर्ध उर्ध में सूरत लगाए बिनी तक बिनी अखतार जीव ना पाए। प्रथमया जब कोई ये शब्द सुनेगा निसंदेह कहेगा क्या अटपटा अटपटा बोला है, जहां से आया। नहीं, अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे ताकि दुबदा जाए। इंगला पिंगला सुखमन साधे, आपको ध्यान होगा मैंने एक दो दिन पहले ध्यानावस्था की स्थिति का वर्णन किया था। जब तक आपकी श्वासा शरीर में है, क्रिया नहीं खत्म होगी। मन का चौथा रूप ही क्रिया, इसलिए कोई आदमी एकाग्र नहीं हो पाता, यही रहस्य है। इस रहस्य को लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए मन पर कोई आदमी जल्दी विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। आप इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं पर इतना आसान नहीं है, चंचल है मन। आप बुद्धि पर भी थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं पर यहां साहब क्या करें, पलटत बुद्धि न लागत बेरी। आपने जीवन में देखा होगा ये दिमाग पलटने में टाइम नहीं लगता है, कई चीजें आपने अपने जीवन में आवश्यक मानी होगी, आपने सोचा होगा मैं इन चीजों के बिना नहीं जी सकता, लेकिन कालांत आगे चलकर उन्हीं चीजों से आप उपराम हो जाते हैं। यही है मन की वृत्ति। चलो आप बुद्धि भी साध सकते हैं, उससे भी बर्बर है चित्त। कई बार आदमी जब नेगेटिव सोच रखता है एक पीड़ा मिलती है, लेकिन भागीरथी प्रयास करने के बाद भी नेगेटिव सोच से निकल नहीं पाता आदमी, वहीं वहीं उसका ध्यान रहता है। चलो कोई बात नहीं, आप देखते होंगे अनचाहे भी कुछ चीजें जो आप नहीं स्मरण करना चाहते आ जाती, यानी ये प्रबल है। मैंने आपको कल तिहाड़ जेल का दृश्य दिखाया था लाइव प्रोग्राम में, इसी प्रकार से इतना गढ़ माया का इतना मजबूत किला है जिससे जीव निकल नहीं सकता। कितने तपसी तप कर डाले, खाया डाली गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पार। गाहे बजाए आप अपने चित्त का भी निरोध कर सकते हैं, अहंकार का निरोध करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक सूत्र चाहिए। सहज माया का त्यागना, हालांकि सहज नहीं है तब भी साहब करें त्यागी। सहज सुत बित और नारी, कई आदमी स्त्री को भी त्याग देते हैं, उपराम हो जाते हैं, पर अहंकार का त्याग। मान बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजना एह, दुर्लभ है ये, तजी नहीं जाती है जल्दी से। अहंकार का मैंने विवरण सविस्तार दिया था, इसलिए क्रिया है अहंकार है। यहां साहब क्या बोल रहे हैं इस पर लोग सुनते हैं, दोहे साखी बोलते हैं पर इस पर विशेष अमल नहीं करते। यहां साहब कह रहे हैं
रणंकार जहां अनहद गाजे। अरे भाई रणंकार जहां अनहद हो रही है, काफी लोग हैं अनहद में उलझा रहे, वो रणंकार की उपासना बता रहे। कुछ पंथ मत मतांतर तो अनहद धुनों को सच्चा परमात्मा बोलते हैं। आप कहेंगे आलोचक है, नहीं नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। वो इन धुनों को कह रहे हैं सच्चा परमात्मा। हालांकि साहब ने अपनी वाणी में अनेक धुनों का उल्लेख किया है, क्योंकि जहां रणंकार है वहां धुने हो रही है, ये काफी ऊंची जगह पर है, पर इसको पराकाष्ठा नहीं बोला है, वहां भी काल है और उसको सच्चा नाम भी धुनों को कह दिया, और इतनी वकालत करते उन धुनों की, और साहब के शब्दों में रस गगन गुफा में अजर जरे बिन बाजा झनकार उठते हैं, समझ पड़ी रहते हैं, पुष्टि करते हैं कबीर साहब की वाणी देकर कि ये धुने सच है। पर उनको ये नहीं बताया दोई बिन होए ना अधर आवाजा, ये भी साहब की वाणी है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, अनहद मर गया तो ये कैसा परमात्मा है आपका। सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए, फिर कौन सा शब्द है वो? शब्दों का मतलब है, कहते हैं भाई दो आवाजें, दो शब्द हैं, एक है धुनात्मक एक है वर्णात्मक। पर हम कह रहे हैं शब्द तीन प्रकार के हैं, एक है धुनात्मक जो हम बोल रहे हैं, वर्णनात्मक हम बोल रहे हैं जो वो साउंड है, एक है धुनात्मक जो अनहद धुने हो रही है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, अपनी मुट्ठी जोर से भीचना और दांत जोर से करना तो आपको अनहद सुनाई देगी, वो धुने नाड़ियों के संयोग से हो रही है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द को शब्द में उसको काल न खाए, तो कौन सा शब्द है फिर? सो तो शब्द विदेह, बहुत मत मतांतर इसमें उलझे हुए हैं। कहीं पलटू साहब की वाणी का उल्लेख दे दें, कहीं किसी की, संतों ने जहां जिस पॉइंट की बात की, इन धुनों को पराकाष्ठा कभी नहीं बोला। सो सदगुरुमय भावे, अब इसमें साहब कह रहे हैं जो आवागमन न सावे, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद उड़ जाए। देख लिया, अनहद में नहीं उलझाते, वो कहते बस दोनों धुने सुनो तुम, नहीं, गलत पद्धति है ध्यान भजन की। बड़ा स्पष्ट साहब कह रहे हैं भाई, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? रणंकार जो है अनहद गाजे, रणंकार से धुने उठ रही, ताऊं पर यकतार बजाए उसके ऊपर जाना है। इंगला पिंगला सुखमन साधे, ले उदान पहुंचते हैं बांधे, उदान वायु कलेजे में है, यानी जब आप सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचते हैं दसों वायु है तब नियंत्रण में आ जाती, पूरी बॉडी लॉक हो जाएगी। इस अवस्था को बड़े सुंदर अलंकार से साहब ने वर्णित किया है। नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया, ये हुआ बॉडी को अनहोल्ड कर दिया। कभी कभी आप किसी फोन को अनहोल्ड पर रख देते हैं, कनेक्शन कनेक्टेड है पर अनहोल्ड है। मुझसे एक सज्जन ने बोला, गुरुजी ध्यान करते करते अगर शरीर सुषुम्ना में जाकर शरीर से निकल जाएं और अगर फिर शरीर में नहीं आए तो फिर कैसा होगा? मैं बोला इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। जब लग आशा जगत की, जहां तक संसार के पदार्थों की आशाएं हैं वहीं भय है।
आत्मा अजरा है, इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा अगर ध्यान में बैठे बैठे आप निकल गए तो इससे सुंदर और शरीर त्यागना क्या हो सकता है? डराता कौन है? अपनी इच्छाएं डराती है। आप यकीन रखना प्रभु आपसे कहीं दूर नहीं है, वो तो आपको हमेशा उठाना चाहता है। मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओहे, मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओहे, कहे कबीर कैसे बने तोहे मैं और ओहे। आप और परम पुरुष के बीच में एक दीवार है मन की, बस और कुछ नहीं है, एक आवरण है, पर्दा है। आप मन से सावधान रहें बिल्कुल। ये शिष्मना के अंदर रहता है और इसका कार्य करने की प्रणाली क्या है, तरंग दे देगा, एक चित्त का उद्गम आ जाएगा, बरबस आपको ध्यान में याद आ जाएगा लहर सिंह ने गाली बकी थी बस। अरे भाई अभी आप लहर सिंह के पीछे क्यों पड़ गए? आप तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठे, कहां से बीच में आ गया लहर सिंह? बस आप वहां जुगाड़ करने लगते हैं लहर सिंह से कैसा बदला ले, पूरी प्लानिंग आपकी चेंज हो गई। तभी तो साहेब वाणी में कह रहे मन तरंग में जगत भुलाना। उस समय आपको सतर्क रहना है, जब आपके अंदर ये चीज आ जाए तो आप सोचना कि ये कौन चीज है। मेरा तो मंतव्य है, मेरा तो अभिप्राय केवल एकाग्र होने का था, ये बीच में कहां से आ गई ये बात है। जब आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो आपको ये पूरा खेला समझ में आ जाएगा एकाग्र होकर के। तभी तो कह दिया ना चश्मे दिल से देख तू, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना क्या नहीं। इसलिए जब आप इन चीजों से परे हो जाते हैं तब एक एकाग्रता बनती है आपकी। लेकिन आप इन सब चीजों को एकाग्र कर सकते हैं चित्त को भी। आखिरी में एक समस्या आती है अहंकार की, अहंकार क्रिया है, आदमी क्रिया से निर्मित कभी नहीं होता है, ये क्रिया ही आपके ध्यान को विचित करती है। सोचना क्रिया है, देखना क्रिया, चलना क्रिया, पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रियों से कार्य करना क्रिया, बैठना भी क्रिया है। कैसे? जब आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो ताकत लगाए, नहीं तो गिर जाना था। खड़े होना भी क्रिया है, लेटना भी क्रिया है, जाएं तो जाएं कहाँ, दसों दिशा में लागी आग, कहे कभी कहे जाइयो भाग। इसलिए एकाग्रता का सूत्र एक पूर्ण गुरु आपको देता है। आप ऐसे एकाग्र नहीं हो सकते हैं। तो साहब आगे बोल रहे हैं, एंगला पिंगला सुखमन साधे, अनंत वाणियों में हजारों जगह पर साहब ने इसका उल्लेख कर दिया, आप ही अलख लखावे उसके ऊपर साचा सदगुरु, वाह आप ही अलख लखावे। अगर आप एकाग्र होने के लिए थोड़ी देर के लिए धुनों में ध्यान रख रहे हैं, धुनों में उलझना नहीं, साहब तो साफ संदेश दे रहे नहीं अनहद उठ जावे। तब चौथी जो मन का चौथा रूप है सबसे विकट है, वो है आप इच्छाओं पर का निरोध भी कर सकते हैं, आप चित्त का निरोध भी कर सकते हैं, आप बुद्धि को भी हैंडलिंग कर सकते हैं। अहंकार बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या करे, ले उदान पहुंचता है बाधे
अर्ध उर्ध्वमित सूरत लगावे, अर्ध उर्ध्वमित सूरत लगावे, बिनी अवतार पीव नहीं पाए। अवतार का मतलब है एक ही जगह आपका ध्यान हो। मन का निग्रह ठीक वैसा ही है जैसे कोई तराजू पर छोटे छोटे मेंढक, आपने देखा एक मेंढक की क्वालिटी है छोटा, तराजू के एक पलड़े में मेंढक रखना 1 किलो, जल्दी वो सुई कांटा पॉइंट पर नहीं आएगा, कभी 2 जंप लगाएंगे, कभी 4, उठाओ फिर उठाओ फिर उठाओ फिर वो भागेंगे। बस मन का निग्रह भी इसी प्रकार का है। लेकिन एक बार अगर एक क्षण के लिए कांटा बरोबर पर आ गया, बस आपका काम खत्म है। यहां साहब कह रहे हैं ना, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उस पल की कभी कभी तुलना नहीं कर सकती है, वो तुलना नहीं कर सकती, पर बनत बनत बन जाए। इसलिए साहब कह रहे हैं साफ, बिन अवतार पीव नहीं पावे, वेद पुराण और शास्त्र सोधे, अर्थ कर कर मन पर बोधे, जह लग वेद तह लग। वाह भाई वाह। ओंकारा, ओंकार है जब को मूला, ओंकार में सबसे भूला। जरूर आप साहब की ऐसी वाणियां सुनकर कह सकते हैं बड़े निंदक थे, नहीं थे निंदक, नहीं थे। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। केवल ब्रह्म वेद से पारा, खट दर्शन जहां कोई न देखा, वह अवतार सूरत से पेखा। अब क्या कह रहे हैं, खट दर्शन धर्म का संचालन 6 विभाग करते हैं, उसको खट कहते हैं संस्कृत में, 6 को, योगी, जंगम, सेवड़ा तांत्रिक, सन्यासी, कर्मकांडी और दरवेश। कह रहे वो नहीं पहुंच सकते वहां, क्या बात है। वह खट दर्शन जहां कोई न देखा, वह अवतार सूरत से देखा। जब आपका तन तन थिर मन थिर सूरत वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोय। कल्पांतर की साधना भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। जाको गुरु अवतार लखाया, पहुंचा धाम बौड़ नहीं आया। वाह क्या बात है। जाको गुरु अवतार लखाया, बौड़ न वो यजग में आया। जैसे सरिता सिंध समाई, ऐसे हंस सूरत में लाई। सरिता सिंध में समाती है तो समुद्र का ही रूप हो जाती है। ऐसे हंस सूरत में लाई, अवतार सजीवन बूटी, बिनी अवतार बात सब झूठी। क्या साहब ने अपनी वाणी में शब्दों का संयोजन किया है। बात कहूं तो कोई ना माने, जिन देखा सोई पहचाने।
जन्म एक नहीं जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक मनुष्य के कर्म का लेखा नहीं छूटता है और भक्ति का लेखा भी नहीं छूटता है। यहां साहब उल्लेख दे रहे हैं। क्षर अक्षर निरक्षर ते न्यारा यक्तार सकल आधारा, सबका आधार है। हैं सब रस पर जिभ्या नहीं, बिन कान चले बिन हाथ करे, बिन कान सुने बिन आंख देखता है, बिन पैर चलता है। जप तप और अनेक लड़ाई, अनेकों प्रक्रिया करने पर भी कुछ बनने वाला नहीं है। बिनी अक्तार मुक्त नहीं पाई। इन सभी चीजों की पुष्टि एक वाणी बहुत साफ कह रहे, तंथिर मंथिर वचन थिर सुरत निरत थिर हुए, कहे कबीर तापल को कल्प न पावे कोई। जप तप और अनेक धड़ाए बिनी अक्तार मुक्ति न पाए, जप तप अप्रत छिन्न हो जाई, बिनी अक्तार न हंस मुक्त आई। सदगुरु से साचा रहे सुरत रहे अक्तार, कहे कबीर धर्मराज से पहुंचे लोक मजार। बंदा दर से सब घट माही, सब घट व्यापक साइया सुनी सहज न कोई। अंधरे अखिया सूजत नाही, या घट चंदा या घट सूरा, या घट वाचे अनहत पूरा, या घट मथुरा या घट काशी, या घट पूर्ण रहा अविनाशी। या घट भीतर दस दरवाजा, पांच प्रधान छठो मन राजा, या घट भीतर सोलह खाई, चक्र फिरे गढ़ मूसा मूस न खाई। या घट भीतर धोब पुरानी, कपड़ा धोवे बिन सिलपानी, धोले रे धोबिया मधुर धारा, उत्तम निर्मल घाट हमारा। कह कबीर सोई धोवे विचारी, जो धोवे सो उतरे पारी। घटई में सभी बसे जहला ज्ञान लास, सब मुंह पर साहेब धनी घटई में निजवास। जब लग नहीं हो तो शून्य विसूना, जब नहीं होते पाप और पुण्य। ना था वेद और ना थी वाणी, ना था ब्रह्म नहीं ब्रह्मानी। ना था पवन ना था पानी, ना थी माया अकत कहानी। ये सब नहीं था। बहुत पहले एक स्लोगन आता था, एक दृश्य आता था दूरदर्शन में, जीव से फिर धीरे धीरे चलता हुआ समुद्र से निकलता है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते 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 कीट क्रम से, फिर वो कहीं भालू बनता है, फिर चलते 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 वन मानुष बनता है, बंदर बनता है, और फिर इंसान बन जाता है। उसमें एक वाक्य भी आता है, तब न सूरज था न चंदा था न पवन था न पानी था न धरती थी न आकाश था पर्वत था। ना था पवन नहीं था पानी, ना थी माया अकत कहानी, ना थी धरती नहीं आकाशा, जब नहीं हो तत्व बिलासा। तत्व भी नहीं थे, ये सब कृत्रिम चीजें हैं। जब नहीं होता तुर्क व हिंदू, आजकल ये
चीज बड़ी तूल पकड़े हुए, माता का रस पिता का बिंदु, तब नहीं होता गाय कसाई, कहो बिस्मिल्ला किन फरमाई, तब नहीं होता बांधू महा महा कच्छ मच नहीं बारह बरा, नहीं हते रघुपति और रावण, जब नहीं हते कृष्ण बलि पावन, जब नहीं होते शंभु गोरा, जब नहीं हते दस अवतारा, जब नहीं होते कूर्म और शेषा, जब नहीं नारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन आया, जीवन का बोन जिन धुल जाया, 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताऊं काहें, कहे कबीर कृष्णा हता होता आप अलेख, तब का आप कबीर हैं धर धर लिखे बेख, वाह तब का आप कबीर हैं। इस चीज की पुष्टि तो साहब ने गोरख गोष्ठी में भी की है साहेब ने।